हेलो प्लांट्स लवर, वेलकम टू माय अवर चैनल इनवैल्यूएबल ग्रीनरी। आज हम लोग इस वीडियो में गजानिया प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट को डिसीज़ से कैसे सिक्योर करना है एंड इस पर जो फ्लावरिंग है वो कैसे लेनी है। बहुत सारे लोगों को प्लांट्स पर जो बर्ड्स आती है वो येलो होकर ड्रॉप हो जाती है एंड इस पर जो ब्लैक बग्स, वाइट बग्स, स्पाइडर माइट्स, कई सारे थीव्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है और ना ही इस पर जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से हो पाती है उन थीव्स की वजह से। सो, उसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी एंड आप भी अपने प्लांट पर कुछ इसी तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं सो आप भी वीडियो को पूरा देखें एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हैं हमारे कुछ गजानिया के प्लांट्स। इसकी कई सारी वैरायटीज एंड कई सारे कलर्स आपको नर्सरीज पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसका प्राइस 20-30 रुपीस होता है एंड इसके जो कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, बड़े पॉट में मिलते हैं, उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप भी कुछ इसी तरह से अपने प्लांट पर फ्लावरिंग चाहते हैं सो सबसे पहले आपको फ्लावरिंग के लिए अपने प्लांट पर ऑर्गेनिक या फिर केमिकल, मैंने इस वीडियो में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र दिखाया है कुछ इस तरह से, ये DAP ग्रैनुल्स फॉर्म में एंड मैं पर पॉट में 4-10 जो इसके ग्रैनुल्स हैं वो अप्लाई करूँगा कुछ इस तरह से एंड आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके यूज़ से आपके प्लांट पर लीफी ग्रोथ एंड बर्ड फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी एंड आपके प्लांट पर भी फ्लावरिंग कुछ इसी तरह से होगी। आई विश आपके प्लांट पर और भी अच्छी फ्लावरिंग हो एंड अगर आप इन प्लांट्स को ज़मीन में लगाएंगे सो इन पर जो आपको रिजल्ट है वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको किसी भी टूल की हेल्प से इसके जो सॉइल की गुड़ाई कर देनी है एंड इस प्लांट की जो सॉइल है वो आपको थोड़ी सी पोरस सॉफ्ट रखनी होगी जिससे इस पर जो वाटर स्टोर ना हो सके एंड ओवर वाटरिंग जो भी हो वो सारी पॉट से ड्रेनेज होल से रिमूव हो जाए बहुत ही ईजली। इसके लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% राइस कस्क या फिर आप उसकी जगह पर कोयले का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मील एंड नीम खली आपको 10-10% लेनी है एंड उसके बाद वर्मिकोलाइट, परलाइट ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो सो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करके उसमें प्लांट्स लगाने हैं एंड इन प्लांट्स पर जो डिसीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक बग्स, थेव्स, वाइट बग्स, जिस वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से सो उसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में 5-10 ml लिक्विड को अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है एंड इन प्लांट पर स्प्रे फॉर्म में अप्लाई करना है। हर 3-4 दिन में आप इन प्लांट्स पर उसका स्प्रे करें जिससे सभी ब्लैक बग्स, स्पाइडर माइट्स सारे ही रिमूव हो जाएंगे एंड आपका प्लांट भी कुछ इसी तरह से हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करेगा। अगर आप केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ही यूज़ करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको लेना है शैम्पू, नीम ऑयल एंड टर्मरिक। इनको अच्छे से 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है एंड आपको अपने प्लांट्स पर स्प्रे फॉर्म में देना है हर 3-4 दिन में एंड इन प्लांट्स को फुल डे की सनलाइट देनी है विंटर्स में, क्योंकि इन ये प्लांट्स केवल विंटर्स में ही फ्लावरिंग करते हैं एंड अगर आप इन प्लांट को अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं सो ये अगले विंटर तक भी बच जाते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें बचा ले जाते हैं विंटर्स, अगले विंटर्स के लिए, बट बहुत ज़्यादा समर पे इनकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न होने लगती हैं एंड वाटरिंग का आपको इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग हो जाती है सो उस कारण से भी लीव ड्रॉप होने लगती है, लीव येलो की प्रॉब्लम होने लगती है एंड आपको इन प्लांट्स पर वाटरिंग जो है स्प्रे फॉर्म में करनी है कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। विंटर्स में आपको मॉर्निंग में ही वाटरिंग कर देनी है क्योंकि फुल डे जो आपकी डलनेस होती है, डस्ट आकर जो लीव पर बैठ जाती है जिससे इस प्लांट की जो शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है सो वो भी रिमूव हो जाएगी एंड उससे आपके प्लांट की शाइनिंग भी बढ़ जाएगी और आपका प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी। अगर आपको अपने प्लांट्स पर कोई भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी वीडियो में शो हो रही है एंड प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है सो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।